नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पब्लिक स्कूल उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे और समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। कॉन्टेक्ट इंग्लैंड और वेल्स का एक पब्लिक स्कूल मूल रूप से बड़े लड़कों के लिए एक शुल्क चार्ज संपन्न स्कूल है जो स्थानीय संप्रदाय या पैतृक व्यापार या पैसे के बावजूद विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक था। इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता के बाद में भी कुछ इस प्रकार के पब्लिक स्कूल बने उसमें उन प्रतिभाशाली जो बालकों को जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है उन्हें इन विद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, है ना। इन्हीं विद्यालय में इस प्रकार पर अवश्य बल दिया जाना ध्यान दिया जाना चाहिए कि बालकों में जो भारतीय संस्कृति और एवं जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था बनी रहे। फिर इसी के साथ में जो इन बालकों में जो देश के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना विकसित हो, बालकों में जो नैतिक गुणों का विकास हो और वे अपने उन भाई बाल बहनों से जो अन्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और समानता एवं प्यार के साथ व्यवहार करें। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है कि बालकों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, तो ये पब्लिक स्कूल के बारे में विशेष रूप से ये सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन आपको समझ में आना चाहिए। फिर आता है अपना समान विद्यालय व्यवस्था। समान विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि कॉमन शब्द का आशय सार्वजनिक का उभयनिष्ठ या समान एवं सामूहिक आदि से होता है और विद्यालय व्यवस्था में इसका उपयोग समान रूप में करना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत को एकता एवं जो समानता के दृष्टिकोण की आवश्यकता थी और भारत को विद्यालय व्यवस्था का सुझाव दिया गया और कोठारी आयोग का मानना इसमें जो 1964-66 में समान विद्यालय व्यवस्था का सुझाव दिया गया और कोठारी आयोग का मानना कि समान विद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत सभी बालक एक बालिका को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसमें गरीब एवं धनी वर्ग के जो सभी बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर सकेंगे और सुझाव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली उसके अंतर्गत जो स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रकार की विद्यालय व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के रूप में स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्था का भी ठीक वही उद्देश्य था जो समान विद्यालय व्यवस्था का था। तो इस प्रकार समान विद्यालय व्यवस्था छात्रों के लिए समान एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराती है, है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान है। फिर इसके अंतर्गत जो समान विद्यालय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इसकी पॉलिसी है उसमें जो बताया गया है कि समान विद्यालय व्यवस्था के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और समान विद्यालय व्यवस्था के क्रियान्वित करने के लिए 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर इसके अंतर्गत जो शिक्षा की जो राष्ट्रीय व्यवस्था के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो समान विद्यालय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और इस छात्रों को उनकी योग्यता एवं स्तर के अनुरूप विद्यालय शिक्षा प्रदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई और जिससे शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचाना गया,
तो इसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होने वाले जो अनेक परिवर्तन में ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा समान विद्यालय व्यवस्था की अवधारणा को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाए और इस प्रकार समान विद्यालय व्यवस्था के क्रियान्वित के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्था एवं सुझाव को प्रस्तुत किया गया है और इसमें सामाजिक न्याय और उपलब्ध हो सके तथा जो शैक्षिक असमानता को दूर किया जा सके, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत बताई गई है। फिर आता है समान विद्यालय की व्यवस्था के आयाम। अब समान विद्यालय की व्यवस्था के आयाम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समान अब समान विद्यालय के आयाम है उसके अंतर्गत समान शिक्षा प्रणाली का जो आशय है कि व्यवस्था से है जिसमें सभी को सामान्य रूप से शिक्षा की उपलब्धता संभव होती है और वर्तमान जो समय में सरकार द्वारा जो प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की स्थापना की गई है और जिससे छात्रों को उनके विकास के स्थान पर शिक्षा उपलब्ध हो सके और उसके साथ साथ स्वयं सेवी जो संस्थाओं को भी सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों में जाकर उन बालकों को शिक्षा प्रदान करती है और जिनके पास निर्धारित विद्यालय समय में विद्यालय आने की सुविधा नहीं है, तो इस प्रकार के वर्तमान की जो समान शिक्षा व्यवस्था का प्रदान पक्ष सुसाध्यता है जो कि प्रत्येक स्थिति में बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी है। दूसरे शब्द में अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कि जो शिक्षा व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी तथा व्यवहारिक नहीं है उसका कोई महत्व नहीं होता है। समान शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ता के रूप में इसके जो आयाम है विद्यालय की अधिकता। अब विद्यालय की अधिकता स्वयं सेवी संस्था के विकास और सर्वांगीण विकास की स्थिति, शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता और शिक्षा की व्यावसायिक उपयोगिता, व्यावहारिक कौशल की सुलभता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपलब्धता और संतुलित विकास की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है। तो ये इसको एक बार अच्छे से आप देखना है ना, इनके जो आयाम है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए तथा समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा के प्रधान पक्ष में समन्वय गुणवत्ता एवं सुसाध्यता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ये आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये पब्लिक स्कूल समान विद्यालय व्यवस्था और समान विद्यालय व्यवस्था की जो आयाम है उसके बारे में अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।